हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आईपीएल हर बार आपको कुछ इमर्जिंग प्लेयर देकर के जाता है, तो इस बार का सीजन भी आईपीएल 2023 भी आपको कुछ इमर्जिंग प्लेयर देकर के गया है। लेकिन उनमें से वो कौन से खिलाड़ी हैं जो इस सीजन की परफॉर्मेंस के बाद टीम इंडिया में सिलेक्शन के नज़दीक आएंगे, तो हम इस वीडियो में उन 5 खिलाड़ियों की बात करने वाले हैं जो इस सीजन के टॉप 5 इमर्जिंग प्लेयर तो रह ही रहे हैं, साथ में टीम इंडिया सिलेक्शन के भी बहुत नज़दीक आएंगे। और इन 5 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी आपको पिक करना है जो आपको लगता है कि सबसे पहले टीम इंडिया के लिए खेलना चाहिए। इंडियन टीम में जो सर्टेन प्लेयर हैं उनके बाद अगर किसी यंग खिलाड़ी का नाम लिखा जाना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के एंड में मैं अपनी चॉइस भी बताऊंगा। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। जैसे कि हम वीडियो में 5 खिलाड़ियों की बात करने वाले हैं तो मैं उल्टी तरफ से शुरू करूंगा, 5 नंबर से शुरू करूंगा और लिस्ट में मैंने 5वें नंबर पर रखा हुआ है यश ठाकुर को। इनकी परफॉर्मेंस इस सीजन बहुत इंप्रेसिव रही है, खास करके लास्ट के कुछ मैचेस रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे खेलते गए वहां पर आपको परफॉर्मेंस में बेटरमेंट देखने को मिली है। ओवरऑल अगर नंबर्स की बात करी जाए तो 8 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं, 9.16 का इकोनॉमी है, 4 विकेट 37 रन देके इनका बेस्ट स्कोर है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर आपको इकोनॉमी ज्यादा लग रहा है, इन्होंने मैच में डिफिकल्ट सिचुएशंस में गेंदबाजी की है और हर मैच के इनके नंबर्स देखेंगे तो सिर्फ एक मैच ऐसा था जहां पर ये बहुत एक्सपेंसिव चले गए थे, 4 ओवर में 48 रन, अदरवाइज हर बार ये उस एवरेज रडार में ही रहे। लेकिन इनके बारे में बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, क्योंकि इनके डोमेस्टिक के नंबर्स भी आपको देखने पड़ेंगे। पिछले 5-7 साल में ये बहुत ही इंप्रेसिव प्लेयर रहे हैं। अगर बात की जाए अंडर 19 डेज से लेके अब तक 45 T20 मैचेस ओवरऑल खेले, 65 विकेट है, 16 की एवरेज है और 7 का इकोनॉमी है, ये बहुत इंप्रेसिव नंबर है T20 क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, 45 मैचेस में 65 विकेट। उसके बाद इनके लिस्ट के भी अगर नंबर्स आप देखने जाएंगे तो 28 मैचेस में 44 विकेट है, मतलब 1.5 विकेट से भी कुछ ज़्यादा जो है हर मैच में ये 50 ओवर क्रिकेट में भी ले रहे हैं। 23 की एवरेज वहाँ पर है, 4.97 का इकोनॉमी रेट है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की भी बात की जाए, रेड बॉल क्रिकेट की भी बात की जाए तो 13 मैचेस में 37 विकेट है, 25 की एवरेज है, तो वहाँ भी नंबर शायद उतने इंप्रेसिव नहीं है, बट वाइट बॉल क्रिकेट के इनके नंबर्स बहुत इंप्रेसिव है। और खास करके इस बार जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई थी जहाँ पर 10 मैचेस में 15 विकेट इन्होंने लिए थे और नॉकआउट गेम्स में जो इनकी परफॉर्मेंस डेथ बॉलिंग में रही थी वो बहुत इंप्रेसिव और कमाल की रही थी। सो ये वो खिलाड़ी है जो डोमेस्टिक में बहुत टाइम से खेलता हुआ नजर आ रहा था और पिछले कुछ 1.5 साल से आप कह सकते हैं कि वहाँ परफॉर्मेंस में वार आपको रेज होता हुआ दिखा है, अब आप आईपीएल में देख रहे हैं। क्योंकि याद रखिए पहला सीजन है और पहले सीजन में खिलाड़ी को थोड़ा सा वक्त लगता है उस लेवल पर आकर के अंडरस्टैंड करने में, वहां पे जाके फेमिलियर होने में, उन कंडीशंस में, उन सिचुएशंस में, उन सारी चीजों को देखें तो बहुत कमाल के रहे। बाकी इनकी गेंदबाजी की बात की जाए सो गेंदबाजी ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि इनको सिर्फ कटर वन और स्लोअर वन ही डालनी आती है, आप इनको नई गेंद दीजिए वहाँ परफॉर्म करके दिखाएंगे, इनके रेड बॉल के नंबर उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। मिडिल ओवर में गेंदबाजी करवानी है वहाँ भी कर सकते हैं, इनके 50 ओवर क्रिकेट के नंबर उस बात को जस्टिफाई करते हैं और डेथ गेंदबाजी तो आपने ओवरऑल देखी हुई है। सो ही इज अ ऑलराउंड बॉलर जो अच्छी पेस पर गेंदबाजी करता है, 140 क्लिक्स तक गेंदबाजी कर सकता है, साथ में जिसके पास वेरिएशंस भी हैं, अच्छी लेंथ भी है और नई गेंद इनको ज़्यादा इस्तेमाल में कराई नहीं गई है। अगर इनको नई गेंद मिलती है तो नई गेंद के भी ये बेहतरीन गेंदबाज हैं। उसके बाद नंबर 4 पर बात की जाए और दोस्तों नंबर 4 पर मैंने पिक किया है तिलक वर्मा को और बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि ये बाद के कुछ मैचेस मिस आउट किए, फिर भी इन्होंने 9 मैचेस में 274 रन है, 45 की एवरेज है, 158 का स्ट्राइक रेट, तो फिर भी नंबर्स बहुत इंप्रेसिव हैं। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे पिछला सीजन जोड़ लें ये सीजन जोड़ लें लगभग 700 के आसपास इन्होंने रन बना दिए हैं, 650 से कुछ ज़्यादा रन इन्होंने बना दिए हैं, एवरेज भी 40 के आसपास रही है, स्ट्राइक रेट भी बहुत कमाल का रहा है ओवरऑल अगर देखें पिछले सीजन और इस सीजन को मिला लें। और सबसे खास बात इनके बारे में क्या है कि ये लिमिटेड नहीं है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको कोई भी सिचुएशन है आप बल्लेबाजी करने के लिए भेज दीजिए ये कर सकते हैं, आप जल्दी विकेट गिर गए इनको भेजिए ये पारी कंस्ट्रक्ट करके देंगे, आपको लास्ट में मैचेस जिताने हैं इस आईपीएल में इन्होंने वो चीज़ भी करके दिखाई है। सो एक नई डायमेंशन विद सेकेंड सीजन इनकी बल्लेबाजी में देखने को मिली है और सबसे इम्प्रेसिव बैट्समैन पिछले सीजन और इस सीजन के कंपैरिजन में अगर कोई नज़र आया था
वो थे तिलक वर्मा। अनफॉर्चुनेट चीज शायद यही हुई कि ये इंजर्ड हो गए थे बीच सीजन में, जिस वजह से अब आपको ज्यादा मैचेस खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। शायद और मैचेस खेलते तो और इंप्रेस करते, लेकिन इनके डोमेस्टिक क्रिकेट की बात मैं करूंगा, क्योंकि इस बार इनका जो सीजन था खास करके विजय हजारे ट्रॉफी का, वो बहुत शानदार रहा था। और इनके अगर लिस्ट के नंबर देखेंगे तो आप सब सरप्राइज होंगे वो नंबर देख करके। 25 मैचेस खेले हैं, 1236 रन है, 56 या लगभग 57 की एवरेज आप इसको कह सकते हैं, 101 का स्ट्राइक रेट है, 5 सेंचुरी है 5 हाफ सेंचुरी है, 25 पारियों में 10 पारियों में 50 या उससे ज़्यादा रन बने, यानी हर 5 मैच में एक सेंचुरी जमा देते हैं। आपको इस तरह का बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में ज़्यादा चाहिए। मिडिल ओवर्स में अभी भी वो पहली आपकी मिडिल ओवर्स की सुलझी नहीं है, जहां पर आप बल्लेबाज ढूंढ रहे हैं कि आपका मिडिल ओवर का बल्लेबाज कौन होना चाहिए। डिफरेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन आपने ट्राई किए, इनके लिए एडवांटेज वाली चीज़ कि वो लेफ्ट हैंडर भी हैं मिडिल ओवर्स में, और साथ में गेंदबाजी भी कर सकते हैं, ये पार्ट टाइम गेंदबाज भी आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। सो ऑल एंड ऑल एक तो सारी आप टेक्निकल चीज़ें देखिए, बाकी परफॉर्मेंस देखिए, पोटेंशियल देखिए, उन सारे एंगल से तिलक वर्मा बिल्कुल परफेक्ट प्लेयर हैं फॉर इंडियन टीम। उसके बाद दोस्तों अगले प्लेयर की बात करें जिसको मैंने 3 नंबर पर पिक किया है, वो है जितेश शर्मा। इनके बारे में शायद आपको परफॉर्मेंस नंबर्स बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, इनके बारे में जो चीज़ देखने लायक रही है इस सीज़न वो रहा है पहली 10 गेंदों पर इनका स्ट्राइक रेट जो 250 के ऊपर रहा है। जनरली आप T20 क्रिकेट में एक चीज़ देखते हैं, किसी भी क्रिकेट के फॉर्मेट में आप एक चीज़ देखते हैं कि बल्लेबाज शुरू करता है तो स्ट्राइक रेट कम होता है, जैसे जैसे गेंदें बढ़ती जाती हैं स्ट्राइक रेट बढ़ता जाता है। इनका पहली 10 गेंद में स्ट्राइक रेट बहुत इंप्रेसिव रहता है, और T20 क्रिकेट में स्पेसिफिक रोल की बात की जाए, फिनिशर की बात की जाए, फिनिशर को वो मिलती ही 10-12 गेंदें हैं। अगर आपके पास ये काबिलियत है कि आपको 10 गेंद मिलती हैं और आप 4 छक्के मार सकते हैं, आपसे बड़ा मैच विनर और इम्पैक्ट प्लेयर कोई नहीं है, क्योंकि इस सीजन इन्होंने ये काम करके दिखाया है। फिर भी नंबर्स की बात कर लेते हैं, 14 मैचेस में 309 रन है, 23 की एवरेज है, 156 की स्ट्राइक रेट है। आप छक्के देख लीजिए, इन्होंने 21 छक्के मारे हैं इस सीजन, सो छक्कों में ज़्यादा इन्होंने डील किया। और स्पेशली जो एबिलिटी इनके पास है, फ्री फ्लोइंग स्विंग जो इनका है, जिसमें चाहे स्पिनर सामने हो या तेज गेंदबाज हो, बहुत आसानी से ग्राउंड क्लियर करते हैं और एफर्टलेस हिटिंग आप इनसे कहीं ना कहीं देखते हैं। सो इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके 6 नंबर का स्पॉट है या 7 नंबर का स्पॉट है, वहां पर आपको इस तरह का प्लेयर चाहिए। दिक्कत आपने देखी कि जब इनको शुरू में 4 नंबर बल्लेबाजी कराई गई, वहां पर जरूर थोड़ा सा स्ट्रगल किए, लेकिन रोल स्पेसिफिक प्लेयर की बात की जाए, क्योंकि T20 क्रिकेट नाउ डिमांड कि स्पेसिफिक रोल के लिए स्पेसिफिक प्लेयर होना चाहिए जो आपकी उस सिचुएशंस में आपको जरूर निकाल सके। हाँ, जरूर ये चीज़ एविडेंट रही है कि एक ही तरह से खेलना इनको आता है, लेकिन एक ही तरह से खेल सकते हैं तो आप इनको जितना लास्ट के ओवर्स के लिए बचा के रखें और फिर उस सिचुएशन में भेजिए, ये आपको डिलीवर करके दिखा सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 के प्लेयर की बात की जाए, और यहाँ पर मैंने रखा है रिंकू सिंह को। कहानी शुरू हुई थी 5 छक्कों के साथ, बड़ी यादगार और सुनहरी वो कहानी थी, लेकिन वो कहानी सिर्फ कहानी भर बन के नहीं रह गई, क्योंकि इन्होंने उस कहानी को बहुत आगे बढ़ाया। एट द एंड 14 मैचेस में 474 रन हैं, 59.25 लगभग 60 की एवरेज आप इसको कह सकते हैं, 150 का स्ट्राइक रेट है, 29 छक्के इनके बल्ले से भी इस सीजन निकले हैं। तो एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह लगभग 450 से ज़्यादा का सीजन इनके लिए गया है, और आप कह सकते हैं कि सिर्फ इन्होंने वो ग्लिम्पसेस नहीं दिखाए, क्योंकि जिन नंबर्स पर इन्होंने बल्लेबाजी की है आपको पिक्चर्स भी पूरी दिखाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूरी पिक्चर में ये रही है कि जब जब KKR की टीम फंसी, कोलैप्सेस बहुत हुए KKR की टीम को, हर बार एक ही खिलाड़ी वहां पर खड़ा था और उसका नाम था रिंकू सिंह। ये कोई आसान काम नहीं है जो उन्होंने इतने बार करके दिखाया है, और नए हीरो बन के कहीं ना कहीं वो इंडियन क्रिकेट के निकले हैं। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 2016 से इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि पिछले 7 साल से जो खिलाड़ी खेल रहे हैं तो वो पक तो जरूर चुका होगा। इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में अर्ली डेज इनके बहुत बेहतरीन थे, फिर थोड़ा सा डिप आया, लेकिन पिछले 2 साल से इनकी परफॉर्मेंस जिस तरह की रही है, चाहे IPL का पिछला सीजन हो, 7 गेम इनको खेलने को मिले थे, तब भी लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से वो कैमियोज, वो इन्होंने कहीं ना कहीं ट्रेलर्स दिखाए थे, अब शायद इस सीजन इन्होंने वो पिक्चर दिखा दी है। बाकी रणजी ट्रॉफी की बात करें तो लगभग 500 रन के आसपास का सीजन इनके लिए गया, विजय हजारे ट्रॉफी भी अच्छा सीजन था ओवरऑल कहीं ना कहीं। सो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस है, IPL में परफॉर्मेंस है, और मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैच्योर्ड और इंडियन क्रिकेट के लिए इस वक्त रेडीमेड प्लेयर हैं, जिनको शायद आप अभी मौका दे
सकते हैं जब आपको मौका देने की जरूरत है। उसके बाद इस लिस्ट में आखिरी खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल। रन्स और नंबर्स तो इनके बताने पड़ेंगे आपको, हालांकि सबको पता है कि उन्होंने इस सीजन क्या किया है। 14 मैचेस में 625 रन है, 48 की एवरेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जो इम्प्रेसिव रही है वो रहा है स्ट्राइक रेट 163 का। हमने फिनिशर्स की बात की, मिडिल ओवर्स के बैट्समैन की बात की, सबकी बात की, बट एक ओपनर है जो 163 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है। इंडियन क्रिकेट पिछले कुछ सालों में T20 क्रिकेट में स्पेशली जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल की है कि आप पावर प्ले को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते, शायद उस कमजोरी को भर सकते हैं। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन देते हैं, आप इमेजिन करके देखिए कि एक तरफ शुभमन गिल और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल, क्या कॉम्बो बनने वाला है। दो युवा खिलाड़ियों का एक चीज़ के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करेंगे, और दूसरी चीज़ कि आपको आने वाले कितने सालों तक ये सर्व कर सकते हैं वो भी एक आपको पर्टिकुलर चीज़ देखनी पड़ेगी। बल्लेबाजी की खास बातों की बात करें तो पिछले 2-3 साल में अंडर 19 खेलने के बाद से ये लगा था कि शायद उतनी हिटिंग एबिलिटी आप इनमें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जो काम इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में रॉयल्स एकेडमी में किया है वो दिखता है। जॉस बटलर की संगति इनके लिए बहुत अच्छी रही है, बहुत कुछ सीखा होगा इन्होंने जॉस बटलर से भी, क्योंकि जो रेंज ऑफ शॉट्स इन्होंने दिखाई है, जो क्लीन हिटिंग इस बार देखने को मिली है वो बहुत कमाल की रही है। सो कहीं ना कहीं जो आप स्किल एनहांसमेंट की बात करते हैं, एबिलिटी को डेवलप करने की बात करते हैं, और जब युवा खिलाड़ी इस तरह की चीज़ करता है तो ये साइंस ज़रूर होते हैं कि ये फ्यूचर में अगर इसी तरह से डेवलप करता रहेगा तो आने वाले वक्त में बड़ा खिलाड़ी ज़रूर बनेगा। अब बारी है कि एक खिलाड़ी को पिक करने की, कि इनमें से किसको पिक किया जाना चाहिए। तो मैं तो यशस्वी जायसवाल को ही पिक करूंगा, क्योंकि जगह शायद वहीं पर अभी बनती हुई दिखाई दे रही है कि शुभमन गिल के साथ दूसरा ओपनर, हालांकि ईशान किशन वहां पर हैं, जितेश की भी बात हो सकती है कि आपको फिनिशर चाहिए, रिंकू की भी बात हो सकती है, तिलक की भी बात हो सकती है, बट स्टिल आई विल गो विद यशस्वी जायसवाल। आप किसके साथ जाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो डिस्कशन पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।